वेलकम टू व्हीकल इंडिया चैनल। दोस्तों, अगर आप आने वाले टाइम में 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की प्लानिंग में है तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि किया मोटर्स लाने जा रही है अपनी एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में फीचर्स और कंपनी फिटेड आपको सीएनजी किट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लस इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। उस एसयूवी का नाम रहने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर किया सोनेट फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो किया सोनेट आप देख रहे हो उसको एक पुराने लुक के साथ देखा जा रहा है, जिसमें आपको पहले वाले ही फीचर्स के साथ इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में देखा जा रहा है। लेकिन इस गाड़ी को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सेगमेंट के अंदर दबदबा होने के चक्कर में किया मोटर्स अपनी किया सोनेट फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जिसमें आपको एक नया रंग और रूप देखने को मिलेगा, जो कि रोड पर चलते वक्त एक दबंग और स्टाइलिश लुक के साथ नजर आने वाली है। जो भी अभी तक फीचर्स मिसिंग थे किया सोनेट के अंदर, अब आपको अपकमिंग किया सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर इन सारे फीचर्स को देखा जाएगा, जो कि अभी सेगमेंट के अंदर किसी भी कारों के अंदर देखने को नहीं मिला है। यानी कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ इस गाड़ी को डेकोर किया जाएगा और थोड़ी सी इसकी डायमेंशंस को भी इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। प्लस इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे 3D एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कार को पहले से और ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत बनाएगा और रोड पर चलते वक्त एक दबंग स्टाइलिश लुक के साथ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसके एलॉय व्हील को भी चेंज रखा जाएगा, जो कि बिल्कुल धासु और यंग जनरेशन के रूप में नजर आने वाला है। सबसे पहले इसके प्राइस को लेकर बात करें तो ये गाड़ी मात्र आपको 8 लाख रुपए इन एक्सोरूम दिल्ली देखने को मिलेगा, यानी 8 लाख रुपीज के करीब इसका बेस मॉडल का प्राइस रखा जाएगा। और ये गाड़ी आपको 5 सीटर की ऑप्शन में देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। लेकिन इंजन आपको पहले वाला नहीं देखने को मिलेगा, क्या क्या अपडेट होने वाला है चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके लुक्स और डिजाइन के बारे में बात करें तो ये गाड़ी पहले से काफी ज्यादा शानदार और फीचर्स ओवरलोडेड होगी। हालांकि इसके बॉडी लुक को और ज्यादा अग्रेसिव बनाया जाएगा, जिससे लोगों को ये गाड़ी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके और इसका मुकाबला इंडियन मार्केट के अंदर हुंडई वेन्यू, टाटा की नेक्सोन, महिंद्रा की एक्सयूवी 300, रिनॉल्ट की किगर, निसान मैग्नाइट और मारुति सुजुकी ब्रीजा जैसे बेहतरीन कारों को कड़ी टक्कर देने वाली है। तो दोस्तों, ये एसयूवी बिल्कुल हटकर और बिल्कुल शानदार होने वाली है। इसके डायमेंशंस में भी आपको थोड़ा सा अपडेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके डायमेंशंस को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब फ्रंट के फेसे की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको किया का नया लोगो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो। और फ्रंट का फेसिया जो टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल थी इसकी सेम रखा जाएगा, लेकिन उसमें आपको ब्लैक पियानो का और अग्रेसिव टच देखने को मिलेगा। साथ में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया जाता है और ऊपर की तरफ आपको DRL का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप्स की हाउसिंग देखने को मिलेगी और फ्रंट में भी आपको 2 पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऊपर की तरफ शीशे पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ऑटो रेन सेंसिंग 2 वाइपर देखने को मिल जाना है। और वहीं अगर आप चलोगे इसके साइड प्रोफाइल पे तो ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल देखने को मिलेगा, जो कि ब्लैक पियानो का टच होगा। और इसके जो पिछला हिस्सा है जहाँ पे रूफ खत्म होती है वहाँ पे भी आपको ब्लैक पियानो का टच देखने को मिलेगा। और वो वाला जो फेसिया रखा गया है काफ़ी ज़्यादा शार्प रखा गया है, जिससे ये एसयूवी अपने आप में काफ़ी दबंग लुक में नजर आने वाली है। इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल में विंडो के ऊपर बडवाइजर भी दिया जाएगा और साथ में आपको क्रोम फिनिशिंग का डोर हैंडल्स भी देखने को मिल जाना है। लेकिन दोस्तों, वहीं रेयर प्रोफाइल पे चलोगे तो इसके रेयर प्रोफाइल में भी आपको एक टेल लाइट से दूसरे टेल लाइट का टच देखने को मिल जाएगा, यानी दूसरे को जोड़ा गया और बीच में आपको किया की लोगो देखने को मिल जाएगी और टेल लाइट भी बिल्कुल LED होने वाला है। साथ में आपको नीचे 4 पार्किंग सेंसर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पीछे ब्रेक लाइट भी दी गई है और ऊपर की तरफ स्पॉयलर्स पे ब्रेक लाइट देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ देखोगे तो शार्क फिन एंटीना का भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारे फीचर्स तो अभी तक आप देखते आए होंगे। हालांकि इसके एक्सटीरियर में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेन जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं इसके इंजन को लेकर। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं, जो कि 120 PS के करीब पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये गाड़ी आपको पहले जैसे 6 स्पीड की IMT और 7 स्पीड की DCT गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा, जो कि 83 PS के करीब पावर
और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलने वाली है। और साथ में अगर आपको डीजल इंजन से भी प्यार है तो ये गाड़ी आपको 1.5 लीटर का डीजल यूनिट के साथ भी आएगी, जो कि आपको 116 पीएस के करीब पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 6 स्पीड की IMT और 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलने वाली है। और ये सभी इंजन आपको 20 प्लस माइलेज देने वाली है, तो इंजन में ये काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है और बॉडी लुक में ये काफी कमाल की होगी। दोस्तों वहीं अब चलते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स की तरफ। तो वहां पे जैसे ही आप इसके इंटीरियर में बैठोगे तो काफी फ्रेशनेस फील होने वाला है, क्योंकि इसके इंटीरियर में बैठते ही आपको 10.25 इंच के करीब टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स लेस होंगे। इसके अलावा स्टेयरिंग के साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके गाड़ी के सारे इन्फॉर्मेशन कवर रहने वाली है। वहीं दोस्तों इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रंट सीट का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी ड्राइवर साइड के साइड में ही आपको जो पैसेंजर साइड सीट होता है उसके अंदर ही हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन और वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स इसके इंटीरियर लुक्स में रहने वाले हैं। दोस्तों मेन जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं इसके सेफ्टी फीचर्स में, तो चलिए सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बॉडी को हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी रखा जाएगा, साथ में आपको इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ABS के साथ EVD की भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे बेहतरीन फीचर्स भी लैस होने वाले हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए है वो है ADAS जैसे बेहतरीन फीचर्स, यानी कि एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे बेहतरीन फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर लैस है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको लेन कीपिंग असिस्टेंट का भी फीचर्स देखने को मिल जाना है। तो जैसे कमाल के फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिससे ये गाड़ी और भी ज़्यादा पावरफुल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर सीधा सीधा वार करने वाली है लॉन्च होने के बाद हुंडई वेन्यू, टाटा की नेक्सोन, महिंद्रा की XUV 300, रिनॉल्ट की काइगर, निशान की मैग्नाइट और मारुति सुजुकी ब्रीजा जैसे बेहतरीन कारों से कड़ी टक्कर होने वाली है। और इसकी जो प्राइस रखी जाएगी वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यानी कि इसकी प्राइस 8 लाख रुपये से एक स्टार्टिंग शोरूम इन एक्स शोरूम दिल्ली शुरू होगा, यानी कि बेस मॉडल की कीमत रहने वाली है 8 लाख रुपए के करीब। तो ये SUV आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि इसके अंदर एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम का भी फीचर्स आ चुका है, जो कि ये गाड़ी के लिए काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों अभी तक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV के अंदर ADAS जैसे बेहतरीन फीचर्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन पहली बार होगा कि सोनेट के अंदर आपको एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट का भी फीचर्स देखने को मिलने वाला है, जिससे ये गाड़ी काफ़ी कमाल की होने वाली है। साथ में बताया जा रहा है इसी सेगमेंट के अंदर टाटा नेक्सोन फेसलिफ्ट के अंदर भी इस फीचर्स को ऑफर किया जाने वाला है, जिससे इसके सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ आती है जैसे मारुति सुजुकी ब्रीजा, उन सभी SUV का बोलबाला बंद होने वाला है, क्योंकि अभी की टक्कर में टाटा नेक्सोन सबसे टॉप पे रहने वाली है, लेकिन फीचर्स के मामले में किया सोनेट सबसे बेहतरीन गाड़ी है। तो दोस्तों आप इस SUV कार को खरीदना चाहते हैं फेसलिफ्ट वर्जन के साथ तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने तरफ से लाइक भी जरूर करना।